बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज आपके साथ थोड़ी सी बात करनी है सेहत कार्ड पर। पिछले एक दो दिन में तकरीबन पांचवी या छठी बार खैबर पख्तूनख्वा की केयर टेकर गवर्नमेंट ने पहले सेहत कार्ड को बंद किया और फिर कोई जुगाड़ करके जब हमने प्रेशर डाला, जब हमने आवाज उठाई तो दोबारा से शुरू किया। लेकिन जो दोबारा शुरू किया है वो फिलहाल सिर्फ 31 अगस्त तक, यानी कि एक हफ्ते के लिए। सेहत कार्ड पे दो तीन बातें करना जरूरी है क्योंकि ये इंतहाई अहम प्रोग्राम है और इस तरीके से कोई भी प्रोग्राम नहीं चलाया जा सकता। देखें, सेहत कार्ड वो प्रोग्राम है जो हमारे सेहत के सिस्टम की सारी खामियों को कवर करके आम आवाम को, गरीब आदमियों को और मिडिल क्लास को एक अल्टरनेटिव देता है और उसके साथ हेल्थ सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाता है और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में कंपटीशन लाता है और पब्लिक सेक्टर को भी पैसे देता है। और यह साबित हो चुकी है बात, जब से यूनिवर्सल हेल्थ केयर आया है तो खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 30 लाख और पंजाब में तकरीबन 50 से 60 लाख लोगों ने सेहत कार्ड इस्तेमाल किया है सिर्फ पिछले 2 सालों में। यह अनप्रेसिडेंटेड है। आपको हर रोज और किसी ना किसी से जरूर कोई स्टोरी मिलेगी कि सेहत कार्ड ने उनकी जिंदगी कैसे बचाई, उनको कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर करने से कैसे बचाया। बहुत सी ऐसी कहानियां हैं और इसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है। शायद इसीलिए सेहत कार्ड को पिछले 16 महीनों से बार बार बंद करने की कोशिश की गई और डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई। सबसे पहले तो उस पर करप्शन के इल्जाम लगाए गए, लेकिन हमने साबित किया एक नहीं दो थर्ड पार्टी वैलिडेशन करके, एक बेकर टली से जो हर साल होती है उसकी थर्ड पार्टी वैलिडेशन, और एक आगा खान यूनिवर्सिटी से जिन्होंने कहा कि ये एक इनकलाबी प्रोग्राम है। और दोनों जो जो ऑडिट्स हैं वो केपी के हेल्थ डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे ही पड़े हैं जो सेहत कार्ड को क्लीन चिट देते हैं। तो पहले तो ये करप्शन की कहानी जो है वो खत्म हुई। जरूर सेहत कार्ड में बहुत सी चीजें हैं जो इंप्रूव हो सकती है, लेकिन अगर ये केयर टेकर गवर्नमेंट अपनी सारी एनर्जी इसको डिस्क्रेडिट करने पे ना लगाती तो इंप्रूव भी कर सकती थी। फिर उसके बाद पैसों का बहाना बना दिया गया, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि कोई पैसों का बहाना नहीं है। जब आप ओवरऑल देख लें तो सेहत कार्ड सिर्फ $2 पर हेड पर पर्सन पूरे पाकिस्तान को हेल्थ कवर दे सकता, सिर्फ $2, और ये हमारे ओवरऑल बजटरी स्पेंडिंग का सिर्फ 2% हिस्सा है। तो आया हम अपने बजट से 2% हिस्सा भी नहीं लगा सकते कि हम 25 करोड़ पाकिस्तानियों को हेल्थ इंश्योरेंस दें। 17 करोड़ को तो इमरान खान ने दे दी थी, ये काम मुकम्मल करना चाहिए था और फिर आगे फेजेस में जाना चाहिए था। अच्छे काम को खराब नहीं करना चाहिए। खैर, अगर आप ये भी ले लें, खैबर पख्तूनख्वा में कहा जाता है कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। ये एक हकीकत है कि पिछले साल जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को बैंकक्रप्ट होने की कोशिश की। 200 अरब रुपए से ज्यादा जो है वो उन्होंने विदहोल्ड किए, लेकिन हमने तब भी बहुत सी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करके भी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को बैंकक्रप्ट होने नहीं दिया और रिजर्व्स बिल्ड करना शुरू कर दिए। और मेरी इंफॉर्मेशन और एनालिसिस के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा के अकाउंट्स में 50 अरब से ज्यादा रुपए पड़े होने चाहिए। पैसों का कोई मसला नहीं है, नियत का मसला हो सकता है, डिसीजन मेकिंग का मसला हो सकता है, कैपेबिलिटी का मसला हो सकता है, लेकिन पैसों का मसला नहीं है। और अगर डिसीजन मेकिंग या कैपेबिलिटी का मसला है तो मैं ऑफर करता हूं एज अ पीटीआई पॉलिटिकल लीडर नहीं, लेकिन इसलिए कि हमें ये मुल्क चलाना और जो अच्छे प्रोग्राम्स होने चाहिए उनको हमें पॉलिटिकल नहीं करना चाहिए, कि मैं तैयार हूं कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के साथ बैठ के इस मसले को हल करें। हल सामने हमने निकाला था जब उस वक्त भी अरेयर्स रह गए थे, 3-4 महीने में आपको इंस्टॉलमेंट्स देने, स्टेट लाइफ ये उस वक्त भी मान गई थी और अभी भी मान जाएगी। और ये ड्रामा नहीं होगा कि आप एक हफ्ता उसको बंद करते हैं फिर एक हफ्ता चलाते हैं, हुकूमत जलालत भी बर्दाश्त करती है, प्रोग्राम बंद भी नहीं कर सकती क्योंकि अवाम इसको चाहते हैं, क्योंकि इससे बेहतर प्रोग्राम है नहीं। नुकसान क्या है? मुझे आज से 2-3 दिन पहले एक मैसेज आया
और वो मैसेज मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी जरूरी है, रिक्वेस्ट भी की गई, और मैसेज अंग्रेजी में, मैं अंग्रेजी में ही बुलाऊंगा। एक साहब कहते हैं कि आई एम हेयर टू रिक्वेस्ट योर हेल्प विद किडनी ट्रांसप्लांट। इन आवर मीटिंग्स विद डॉक्टर्स टुडे दे सेड वी डोंट डू इट ऑन हेल्थ कार्ड एनी मोर। व्हेन आई लास्ट आस्क्ड अबाउट ट्रांसप्लांट सर्जरी ऑन द हेल्थ कार्ड दे सेड 2 months ago. They said the same thing 6 months ago and still carried out surgeries afterwards. It seems to me that it needs a strong reference to get it done on the health card. Will you please help out? अब मेरे पास तो ये responsibility नहीं है, लेकिन इसके बाद दूसरे message में इस बंदे ने मुझे कहा कि इसके relative की जिंदगी इस पर depend करती है, और सेहत कार्ड बगैर सिफारिश के ऐसे लिवर ट्रांसप्लांट्स, किडनी ट्रांसप्लांट्स, डायलिसिस, इन सब में लोगों की जिंदगियां बचा रही थी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो बराए मेहरबानी एक ही बार इसको सॉल्व करें। आपको हर महीने अगले 3-4 महीने कोई 6-6 अरब रुपए की पेमेंट करनी है। जब आप एक महीने में 20 अरब रुपए का आटा पॉलिटिकली शहबाज शरीफ को फायदा देने के लिए बांट सकते हैं, तो आप सेहत कार्ड को क्यों नहीं चला सकते?